जी पौराणिक महिताएं तो प्राचीन काल से ही है, पुराण काल से ही है कि जब से भगवान शंकर सती के वियोग में ना, सती के वियोग में भ्रमण कर रहे थे और सती का मृतक शरीर अपने कंधे में रख कर के और जा रहे थे, नंग धड़ंग चल रहे थे, तो उधर से भगवान विष्णु ने देखा, सब देवताओं ने देखा ये तो ठीक नहीं है, तो परमात्मा विष्णु ने अपने चक्र से वो सती के देह को उसके टुकड़े टुकड़े किए, जहाँ जहाँ वो सती के देह के मांस के लोथड़े गिरे इस धरातल पर, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। तो हमारा मानना है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अंश गिरा होगा माता सती का, और तब से नंदा देवी शक्ति स्थल से ये प्रसिद्ध हो गया ये पीठ। बहुत बड़े होने घोड़न दे मंदिर का स्वरूप थोड़ा छोटा था, परंतु आज ये भव्य स्वरूप में आ चुका है। अब एक तो जो बावई और तिरवाड़ा वाला जो मोटर मार्ग है उसके भी काफ़ी नज़दीक मंदिर है, तो पर्यटन के अपार संभावनाएं इस मंदिर की हो सकती हैं। यदि आगे इस मंदिर का थोड़ा सा प्रचार प्रसार होगा तो सड़क मार्ग से कम 200 मीटर की दूरी पर यह मंदिर है, तो पर्यटन की दृष्टि से भी मंदिर एक अलौकिक सुंदरता को देखते हुए मंदिर का स्थान यहाँ पर है।